हेलो एवरीवन, करंट नॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर अक्षय। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है लॉकडाउन एंड इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले हम इसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसका क्या मॉडल आंसर हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी हम आरपीएससी का मेन्स या फिर यूपीएससी का मेन्स देते हैं तो वहाँ पर आपसे फैक्चुअल आंसर की डिमांड तो की ही जाती है, इसके साथ साथ एनालिटिकल अप्रोच की बात भी यहाँ पर होती है या एनालिटिकल अप्रोच के साथ आंसर की डिमांड आपको की जाती है। उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने अपना वीडियो लेक्चर यहाँ पर डिज़ाइन किया है। तो देखिए, इस टॉपिक में से हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चन कैन बी अराइज लाइक व्हाट आर दी इफेक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर लॉकडाउन, और व्हाट आर दी चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर लॉकडाउन और आफ्टर कोरोना वायरस या आफ्टर पैंडमिक, इस तरीके की क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो है इस टॉपिक में से हो सकती है। अब हम देखते हैं इसके मॉडल आंसर को कि किस तरीके से मॉडल आंसर जो है वो फ्रेम हो सकता है। देखिए, सबसे पहले जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमें पता है कि इंडियन इकोनॉमी इज दी वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी एंड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी। यानी कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड में भारत की पोजीशन है वो फिफ्थ है। एंड जब हम क्रय शक्ति क्षमता के ऊपर बात करते हैं तो वर्ल्ड में हमारी पोजीशन थर्ड है। यानी भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड की टॉप फाइव इकोनॉमीज में से एक है। अब इन सब चीज़ों के बाद जब हम पिछले फाइनेंशियल ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर से पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 2019-20, उसकी जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 5% रही, जो कि लगभग मान के चलिए कि 2 दशकों की सबसे लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट थी। ऑलरेडी हम बहुत रिसेशन में थे या ऑलरेडी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट काफ़ी कम रही, उसके बाद ये लॉकडाउन। तो हम यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लॉकडाउन के बाद बहुत सारी जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कि क्या एस्टिमेट हो सकता है 2020-2021 में, यानी 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी हो सकती है, उसका अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि मूडीज जो कि ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो ये कह रही है कि इस बार जो लॉकडाउन के बाद या इस पैंडेमिक के बाद इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो 2.5% तक रह सकती है, विच इज़ वेरी लो। उसके बाद ये एक ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कह रही है कि इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो 2020-21 में 3.5% तक रह सकती है। इसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कह रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 4% तक रह सकती है। आप यहाँ पर देखिए कि ऑलरेडी हम ग्रोथ रेट में बहुत ही पीछे थे, इसके बाद यदि हम इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो ऑलरेडी जो है बहुत ही लोएस्ट ग्रोथ रेट जो है यहाँ पर प्रिडिक्ट की जा रही है, जो हमें बताती है कि आने वाले 1-2 सालों में हमें इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तभी हम 5, 6 या 7 की ग्रोथ रेट जो है अचीव कर पाएंगे। ये जो ग्रोथ रेट है वो न केवल हम बात कर रहे हैं इंडिया लेवल पर, बल्कि ग्लोबली देखते हैं तो ग्लोबली इस महामारी से जो है इकोनॉमी जो है वो इफेक्ट हो रही है। तो संभव सी बात है कि सभी जगह जो है वो इकोनॉमी डाउन होगी, लेकिन भारत की जब हम बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी पर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है किन सेक्टर्स पे पड़ेगा या क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस की और इफेक्ट की। हाँ जी, सबसे पहले हम सेक्टर वाइज देखेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, उसके बाद हम कुछ मेन टॉपिक्स लेंगे 2-3 जो बताएगा कि इन कुछ टॉपिक है या ये कुछ बिंदु है, पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि इकोनॉमी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो हम जब प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो हमें पता है कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज आती है। एक तरफ जहाँ पर किसान की जो अनाज है वो खेत में तैयार खड़ा है लेकिन उसको मार्केट नहीं मिल पा रहा, और यदि एक समय के बाद लॉकडाउन के बाद जब वो मार्केट में अपनी फसल को सेल आउट भी करने जाएगा तो एक कैश फ्लो की समस्या मार्केट में बनी रहेगी।
इस कैश फ्लो की समस्या के होने से जो किसान है उसको अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। इसलिए पूरी पूरी संभावना है कि यहाँ पर जो है वो महंगाई बढ़े, पहली बात। दूसरी बात यदि मैं बात करती हूँ वो एक दूसरे पक्ष पर हम देखते हैं तो लोगों ने क्या किया है कि कुछ जरूरी जो सामान है उनका स्टॉक करना शुरू कर दिया, काला बाजारी शुरू हो गई क्योंकि उन्हें ये अंदाज़ा है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। यानी सबसे यदि हम इफेक्ट की बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर में इस तरीके से जो है इफेक्ट होगा कि बहुत सारी ऐसी गुड्स हैं जो नॉन ड्यूरेबल होती हैं और बहुत लंबे समय तक जो है वो नहीं रह सकती, खराब हो जाती हैं, तो एक समय के बाद कहीं ना कहीं लोग किसान भी हतोत्साहित हो जाते हैं। इस एग्रीकल्चर इस प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए जो रेड कॉलर जॉब्स हैं वहाँ पर भी एक निराशावादी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो पहला तो एक जो इफेक्ट है वो प्राइमरी सेक्टर में पड़ने वाला है। उसके बाद जैसे हम सेकेंडरी सेक्टर पर आते हैं देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ आती हैं। यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चलते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो रॉ मटेरियल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और हमें पता है कि रॉ मटेरियल के लिए बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है, जिसमें से चाइना एक मेन कंट्री है जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के जितने भी पार्ट्स थे या ऑटोमोबाइल्स के जितने भी कलपुर्जे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसके लिए जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो भी हम चाइना से ही इम्पोर्ट करते हैं। और अभी आपने सुना होगा आ भी रहा है कि एजिथ्रोमाइसिन हुआ, पैरासिटामोल हुआ, ऐसी दवाइयों की स्केयरसिटी जो है वो इंडिया में हो रही है क्योंकि हमें कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें प्रॉपर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो उस स्थिति में सिंपल सी बात है कि जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी और ये भी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है कि जो ब्लू कॉलर जॉब्स, यानी ब्लू कॉलर जॉब्स वो होते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, तो यहाँ पर लोगों पर जॉब का खतरा भी जो है वो इस सेकेंडरी सेक्टर में मंडराने लगा है। इसके साथ साथ जैसे हम सर्विस सेक्टर पर आते हैं तो हम सर्विस सेक्टर में देखते हैं कि यहाँ पर दो सेक्टर हैं जो कि बहुत लो जा रहे हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, कैश फ्लो भी नहीं है, महंगाई भी बढ़ रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। उस स्थिति में सर्विस सेक्टर चूँकि बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, चूँकि अगर करंट पोजिशन की बात करूँ तो हमें पता है हमारी GDP में सर्विस सेक्टर का योगदान लगभग 55% है। उस स्थिति में जब सर्विस सेक्टर GDP को इतना सर्व कर रहा है उस पोजीशन में सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर होने वाला है। सबसे बड़ा जो चैलेंज जो यहाँ पर हमारे सामने आने वाला है सर्विस सेक्टर के लिए ही आने वाला है। देखिए लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी तो अब मतलब दूर की बात हो गई, उसमें हम बहुत ज़्यादा पैसा दे ही नहीं पाएंगे और हमें पता है कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी से बहुत सारे रोज़गार लोगों को मिलते हैं। इसके साथ साथ यदि एक मेन हम बैंकिंग को लेते हैं तो बैंकिंग की यदि हम बात करते हैं तो हमें पता है कि बैंकिंग में बहुत सारी NPA से बैंकिंग जो है वो जूझ रही है। आज यदि मैं बात करूँ तो बैंकिंग की पोजीशन ये है कि RBI ने बताया है जनवरी 2020 की 20 में जो डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग कि 9.9% बैंकों में जो पैसा है वो NPA हो चुका है, यानी बैंकों का जो कुल पैसा है उसमें से 9.9% जो है वो NPA हो चुका है जो पहले 9.3 था। ऐसी स्थिति में जब MSME में जो लोग काम करने वाले हैं या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो इस लॉकडाउन की वजह से और इन सब प्रभावों की वजह से जब शटडाउन होने लगेगी उस स्थिति में NPA बढ़ेगा और बैड लोन बढ़ेगा जो कि इकोनॉमी के लिए, क्योंकि बैंक जो है वो इकोनॉमी की धुरी होती है, मतलब कहना चाहिए कि आर्थिक धुरी के रूप में बैंक यहाँ पर कार्य करते हैं। जब बैंक बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो हम लंबे समय से देख रहे हैं, लंबे समय से हम इस स्थिति को जो है वो फेस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब बैंक बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा जो तबका है इससे प्रभावित होगा। ये एक अलग बात है कि RBI जो है इसके लिए प्रयासरत है, इसके तहत RBI ने जो है रेपो रेट को कम किया है,
जिसके तहत आगे आएंगे सीआरआर को कम किया, तो इस तरीके की जो काम है वो लगातार चल रहे हैं। अब ये तो तीन मेजर सेक्टर हो गए जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाले हैं लॉकडाउन से। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हमें पता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग टोटल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है 6.1% है, जो कि बहुत पिछले एक दशक में बहुत ज़्यादा है, यानी बढ़ा है। इसके साथ साथ रूरल एरियाज में 5.3% जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, और अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है 7.8%। ऐसी सिचुएशन में जब तीनों सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं, हमें पता है यहाँ पर रेड कॉलर जॉब्स जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में बेरोजगारी बढ़ना जो है वो मतलब बिल्कुल ही जायज है। तो बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ेगी, एक गवर्नमेंट के लिए चैलेंज, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है। प्लस पॉवर्टी, हमें पता है कि वर्तमान में जो है 21.9% पॉवर्टी रेट है इंडिया में, यानी बीपीएल जो लोग हैं वो 21.9% हैं तेंदुलकर समिति के अकॉर्डिंग, जिसमें गांव में 25.7% लोग और शहर में अर्बन एरियाज में 13.7% लोग जो है वो बीपीएल है, गरीबी रेखा से नीचे है। ऐसी स्थिति में जब लोगों का रोजगार चला गया, कैश फ्लो नहीं है मार्केट में, लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रिसेशन में है, तो ऐसी स्थिति में पॉवर्टी भी बढ़ने की पूरी पूरी आशंका है। इसके बाद हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं। देखिए, हमें पता है कि भारत में यदि 2005 का जो एक डेटा आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग 95% जो वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगी हुई है, और उसका जो योगदान रहता है जीडीपी 50.6%, यानी आधा जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दिहाड़ी मजदूर हो गए, रिक्शा वाला हो गए, या मछली जो फिशर मैन होते हैं उस तरीके के लोग हो गए, या जो छोटा मोटा जो और काम करते हैं वो रोड साइड जो रेडिया लगाते हैं, ऐसे लोग ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सब लोग आते हैं। अब चूँकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला तबका है इस लॉकडाउन से, क्योंकि हमने देखा आनंद विहार में माइग्रेशन की क्या स्थिति थी, या कर्नाटक से राजस्थान में लोग लाए गए, तो लगभग 66 बस जो है वो लगाई गई साउथ से राजस्थान में अपने मजदूरों को लाने के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा है कि अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में जब इस तरीके की समस्याएं जो है वो लगातार जो है वो बढ़ रही हैं, तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा जो है कहा जा रहा है कि आर्थिक मंदी जो 2009 में आई थी उससे ज़्यादा प्रभाव जो है लॉकडाउन के बाद जो है वो पड़ने वाला है सभी देशों में, जिसमें से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। उसके बाद एक और मेजर यहाँ पर टॉपिक है, एक और मेजर जो है पॉइंट है वो है शेयर मार्केट। यहाँ पर शेयर मार्केट इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ है जिसके बारे में हम लगातार अखबारों में पढ़ ही रहे हैं कि क्रैश हो गया है शेयर मार्केट। देखिए, जैसे निफ्टी हुआ, सेंसेक्स हुआ, इन सब चीज़ों में निवेशक जो हैं, इन सब से निवेशक जो हैं अपना पैसा हटा रहे हैं, सुरक्षित स्थानों में लगा रहे हैं। इनफैक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अपना पैसा जो है भारत से बाहर लेके जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब पैसा लगातार जो है शेयर मार्केट से निकाला जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम बहुत ज़्यादा काम कर नहीं सकते, और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं राहत पैकेज दे रही है, तो फिजिकल डेफिशिट जो है, राजकोषीय घाटा जिसे बोलते हैं, तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जब सारे सेक्टर जो है वो मंदी का शिकार हो चुके हैं, तो उस स्थिति में इस लॉकडाउन का भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अब इस लॉकडाउन से उबरने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और सरकार ने क्या इसके लिए राहत पैकेज दिए हैं, क्या घोषणाएँ करी हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ और हमारे क्या सुझाव हो सकते हैं इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, हमें और क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।